सुना होंगे। तो वहां से मैडम स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है मैडम। इसके बाद इससे पहले ये सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने के लिए अपने गाड़ी में बम से वार करवाते हैं राजनीतिक और चुनाव खींचने के लिए कि हमें सिक्योरिटी मिले। इनका ही आदमी था। पहले अपना परिचय बताइए कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम सोनू कुमार तिवारी बाबा हुआ। अच्छा। और बेदौर खानपुर जिला सीतामढ़ी बिहार का। तो मैडम अभी जो चुनाव के लड़ाई। अच्छा, आप ही के ऊपर आरोप लगा था मुकेश कुमार विधायक को धमकी देने का। जी मैडम। अच्छा, क्या कहना है आपको? मैडम आरोप ये तो मैडम ये तो झूठा नेता है। सबसे पहले आरजेडी का ही मतलब मैडम आप पूर्ण जानते होंगे कि ये झूठा पार्टी माना जाता है फेमस। तो मैडम इससे पहले वो क्या करवाए थे कि अपने ही गाड़ी पे बम से वार करवाए थे कि हमें प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिले उन्हीं का आदमी। और इसके बाद मैडम कल परसों के बीजेपी और आरजेडी ये जातिवाद का चुनाव करवा रहा है कि हमें मतलब शिक्षा की ओर बात किया जाए ये वो दी डेट। तो मैडम शिक्षा की ओर पे मैडम हमारे बात कर रहे हैं। तो मैडम आप ये देख लीजिए कि अभी हनुमान नगर गांव में दारू के साथ घटना हुआ था। उसमें कम से कम 22 आदमी के ऊपर FIR किया गया है। उसमें जो भी 10 आदमी जो है जो नवयुवक है जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं मैडम उनके ऊपर FIR होना चाहिए। जो सही आवाज उठा उनके ऊपर FIR करवा दिए उनपे आवाज नहीं उठा रही। मैडम हमारे गांव के बगल में बोराड़ी स्कूल पड़ता है वहां भी स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है मैडम उनपे आवाज नहीं उठना चाहिए। मैडम हमारे गांव बिदौल में एक स्कूल पड़ता है राजकीय मध्य विद्यालय बिदौल वहां पे स्कूल में दारू मिलता है। इन्हीं के समाज के आदमी स्कूल में दारू बेचते हैं गांजा बेचते हैं स्माइक बेचते हैं। तो मैडम उनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए। आज से कुछ पहले इन्हीं के पार्टी के अंतर्गत ददरी गांव में दारू माफिया के नाम का सीधा बोल करके एक मलाह जाति के ऊपर लाठी से पीट पीट के प्रशासन हत्या कर देते उनपे आवाज नहीं उठना चाहिए मैडम। इनपे आवाज उठाया तो हम बीजेपी है हम ब्राह्मण है ये है वो है जातिवाद ये जातिवाद का एजेंडा खड़ा कर देते। अच्छा, तो क्या आप इसी वजह से विधायक मुकेश कुमार को जान से मारने की धमकी दिए थे? मैडम वो तो झूठ बोल रहा है मैडम। अच्छा, आप धमकी नहीं दिए थे? धमकी मिला ही नहीं है उनको मैडम। आपको कोई सवाल? बिना धमकी के ही 3-4 लोगों को अरेस्टिंग भी किया गया है। तो क्या बिना धमकी के किया गया है? 14 अरेस्ट हुआ है। जो भी अरेस्ट हुआ है वो लोग आप ही की टीम के है क्या? नहीं नहीं हम तो जानते भी नहीं उन लोगों को मैडम। क्या है कि चुनाव से पहले इनका रूठ मोड़ने का तरीका है। इनसे पहले 2020 में जब चुनाव हुई थी तो इन्हीं के समाज से बौरार गांव में लपड़ा हुआ था। मैडम आप इनसे ये पूछिए कि बाजपट्टी में लड़ाई क्यों हुई थी गोली क्यों चली थी। इनसे आप पूछिएगा मतलब नारपुर प्रखंड के अंदर सिक्सी गाँव पड़ता है वहां पे लपड़ा क्यों हुआ था इनसे पूछिएगा मैडम। इनको तो अपने कभी ब्राह्मण कभी सनातन धर्म पे कभी तो बात भी नहीं करते हैं और जाते हैं तो बोलते हैं कि मजहब चेंज करो। ये तो ऐसा इंसान है मैडम। अच्छा, मजहब चेंज करवाना चाहते हैं विधायक जी? जी बिल्कुल। अच्छा, और जातिवाद के एजेंडा खड़ा करवा के राजनीति करना चाहते हैं। तो आपको अपना अपने बारे में क्या कहना है? मैडम हम ये है कि हम राजनीति पर्पज से कुछ भी काम कर रहे हैं। तो मैडम क्या है कि हमारे ऊपर FIR का गलत FIR हुआ है। तो मैडम इस पर सीतामढ़ी प्रशासन से ये है विनम्रता की इस पे सही जांच की जाए और जो ये बात है सबके सामने सच्चाई लाए। क्या आप इस लाइन से जुड़े नहीं हैं? आपके ऊपर जो आरोप लगा है तो कि ये हाँ धमकी दिया है तो इसे पूर्व भी आपके कई ऐसे मामलों में नाम दर्ज है? मैडम नाम दर्ज है हम मान रहे हैं लेकिन इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं। हम मान रहे हैं कि इससे पहले मेरा हमारे ऊपर बहुत आपराधिक मामले दर्ज है वो बात सही है आपका लेकिन अभी इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है। ये एजेंडा खड़ा करवा रहे हैं कि हमको चुनाव में जीतना है बस यही है। जो लोग की अरेस्टिंग हुई है वो लोग कौन सब है? मैडम नहीं जानते हैं। तो फिर आपका नाम बीच में क्यों आया है? ये है कि वो बंदा लोग हमें सपोर्ट करता है उसके वजह से ये लोग उनका नाम लगवा के उठवा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम उसको नहीं जान रहे हैं फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो मुझे सपोर्ट करता है। तो मैडम हमारे फेसबुक फ्रेंड है वो लोग तो ऐसा थोड़ी कि हम सबको जानते ही हैं। आपको टोटली कहना है कि इसे जो भी धमकी जान से मारने को मिला था वो धमकी नहीं दिया गया मुकेश कुमार झूठ बोल रहे मैडम। सबसे पहले साबूत कुछ नहीं है कि जो जान से मारने की धमकी मिली है या 25 लाख रुपए की धमकी मिली सबसे पहले और साबूत है तो सबके सामने साबूत रखे ही मैडम ठीक है।
बस यही कहना था या और भी कुछ कहना है? मैडम बस क्या कहेंगे, ये तो सबको मतलब जो मैं व्यू उसको फंसा रहे हैं, जो राजनीति में बात करने वाले हैं उनको फंसा के जेल में डलवा रहे हैं कि हमें राजनीति करने में अच्छी मतलब अच्छा होगा वो करवा रहे हैं। यानी आप हमारे चैनल पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो भी बेकसूर लोगों को पुलिस उठा रही है उसको बिना जांच के नहीं उठाए? मैडम इसमें एक सुमित झा की करके कोई है, हम जानते नहीं है उसके बारे में, मुझे आज पता चला है। मैडम उनके पास घर में एक टाइम खाना कैसे बनेगा वो सोचते हैं, उनके ऊपर FIR करवा के उनको अररिया पुलिस खाली है। अब बताइए आप यानी खाना पुलिस खाने पर उसको। पुलिस भी यानी कि गलत कर रही है। जी मैडम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपके कहने का यही मतलब हुआ है कि जांच करें, अगर दोषी पाया जाए तो उठाए और नहीं तो बेकसूरों को न फंसाए। ये तो पैसा दिलवा करके ही लोग रहे हैं सबको, सोनू कुमार जब सपोर्ट करेगा तो हमारे लिए। मैडम इससे पहले इनको चुनाव 2020 में जब चुनाव हुई थी तो मैडम इसको सपोर्ट हम करवाए, ठीक है। इसके बाद मैडम हम लोग JDU को सपोर्ट करने लगे, इनके इनके खिलाफ जा करके ये हमारे ऊपर FIR करवा रहे चुनाव में जीतना है। मैडम इससे पहले हमें ऑफर मिला गया था कि 10 लाख रुपया दे रहे हैं तो हमारे पार्टी के लिए काम, तो मैडम ये हम नहीं कर सकते। अच्छा अभी आप JDU की तरफ से हैं, अच्छा जी इसीलिए वो आपको फंसा रहे हैं। जी चलिए ठीक है, देखिए कि वीडियो भी बन रहा है और देख लीजिए वही सोनू कुमार है जिनपे विधायक मुकेश कुमार को धमकी देने यानी कि जान से मारने और 25 लाख रुपया रंगदारी मांगने का केस हुआ है और इनके टीम कह करके लगभग बहुत सारे लोगों को अभी उठाया गया है, लेकिन इनका एक ही चीज कहना है कि प्रशासन सही जांच करे और जिन लोगों को उठा रहे हैं पहले ये देख ले कि उसके घर में खाने तक को अनाज नहीं है और बेकसूरों को पुलिस उठा रही है, इसीलिए ये आज हमारे चैनल पर वीडियो कॉल के माध्यम से आए हैं। तो प्रशासन से यही कहेंगे हम भी कि अगर वास्तव में अगर उसमें से जो निर्दोष है उसको बचाने की कोशिश करें, अगर जो दोषी है उसको सजा दें। अगर ये कह रहा है कि हम निर्दोष है लेकिन अगर आप दोषी निकले तो क्या सजा भुगतने के लिए तैयार है? मैडम हमें जिंदगी भर के जेल मतलब उम्र कैद कर दे मैडम, वो हम तैयार हैं करने के लिए। चलिए ठीक है, प्रशासन से हम SP साहब से भी बात करेंगे इस विषय पे कि अगर जो निर्दोष है उसको बकस दिया जाए। चलिए ठीक है।